दोस्तों ये है 2024 की मारुति बलिनो का बेस मॉडल। अभी इस गाड़ी में बहुत सारे डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप एक बार शोरूम में जाके सभी चीज़ें पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको इसके बेस मॉडल की कीमत बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप कम से कम कितना डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका सामने का पूरा डिज़ाइन देख लेते हैं। गाड़ी देखने में तो बहुत प्रीमियम लगती है, बहुत तगड़ा डिज़ाइन है इस गाड़ी का। बीच में लोगो मिल जाता है, मैट ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है, पूरा बोनट एरिया आप देख लीजिए, अच्छी खासी चौड़ी गाड़ी है। नीचे भी ब्लैक कलर ही मिल जाता है, सभी जगह आपको सामने मैट ब्लैक कलर का यूज देखने के लिए मिलेगा। पूरा आप हेडलैम्प यूनिट का डिज़ाइन देख लीजिए, पूरा तगड़ा डिज़ाइन है। यहाँ पर प्रोजेक्टर पर हेडलाइट मिल जाती है, साइड में टर्न इंडिकेटर है, कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लगवा सकते हैं। और गाड़ी ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दो वाइपर और दो वॉफर मिल जाते हैं, पूरा ग्लास एरिया आप देख लीजिए अच्छी तरह से। गाड़ी की छत देखेंगे तो प्लेन है, पीछे एंटीना मिल जाता है। अब चलिए एक बार साइड का पूरा डिज़ाइन देख लीजिए। इस गाड़ी में अभी बहुत सारे डिस्काउंट भी चल रहे हैं, बम्पर ऑफर है, तो आप एक बार शोरूम में जाके सभी चीज़ें पूछ सकते हैं। मारुति की सभी गाड़ियों में आपको थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिल ही जा रहा है। अभी यहाँ पे 15 इंच के टायर मिल जाते हैं स्टील रिम के साथ, व्हील कवर आपको इसमें नहीं मिलेगा, अगर आप चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। फेंडर पे टर्न इंडिकेटर मिलता है बेस मॉडल पे, ब्लैक कलर में ORVM है। ये बॉडी कलर में रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन ब्लैक कलर में है। इसमें आप स्टिकर लगवा लीजिए तो चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी। और ब्लैक कलर में ही डोर हैंडल दिए हैं, ये भी बॉडी कलर में नहीं मिलते बेस मॉडल में, तो आप क्रोम का यूज कर लीजिए। ऐसे फ्रिज में क्रोम वगैरह लगवा लेंगे तो सभी चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि ये बेस मॉडल है। पूरा विंडो एरिया भी देखेंगे तो बड़े साइज का है। पीछे वाले दोनों टायर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, आगे डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर भी अगर आप अलॉय व्हील लगवा लेते हैं ना तो गाड़ी का लुक बदल जाएगा। विंडो एरिया अच्छा खासा बड़े साइज का है, गाड़ी के अंदर आपको एरिया अच्छा मिल जाता है। अब चलिए एक बार पूरा रियर का डिज़ाइन देख लेते हैं। पीछे से गाड़ी देखेंगे तो बहुत बढ़िया लगती है, डिज़ाइन वाइज तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा डिज़ाइन है इस गाड़ी का। चाहे आप सामने से देखिए, चाहे पीछे से देखिए, या आप पूरा साइड का डिज़ाइन देख लीजिए, बहुत ही तगड़ा डिज़ाइन है। यहाँ पर देखेंगे तो बीच में लोगो मिल जाता है बड़े साइज का, कोई भी पीछे कैमरा वगैरह नहीं मिलता बेस मॉडल में। ऊपर यहाँ पे एक अच्छी बात है कि डिफॉगर मिल जाता है बेस मॉडल में, हाई स्टॉप माउंटेन लैंप है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है, ऊपर इंटीना है। बेस मॉडल में डिफॉगर मिल रहा है, कोई भी दूसरी गाड़ी आपको ऑफर नहीं करती। पूरा टेल लैंप यूनिट का डिज़ाइन देखेंगे तो न्यू वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर LED में यूज किया है, नीचे भी LED मिल जाती है। यहाँ पर रिवर्स पार्किंग लैंप और इंडिकेटर दिया है, ब्रेक लाइट वगैरह। यहाँ पे बलिनो लिखा हुआ है 3D फॉन्ट में। दोनों साइड रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं। बेस मॉडल में अगर आप देखेंगे ना तो पूरा पीछे का डिज़ाइन बहुत बढ़िया है, कहीं से आपको पता नहीं चलेगा। 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, आप कच्चे रास्तों में भी गाड़ी को आसानी से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब चलिए एक बार हम इसका बूट ओपन करके देखते हैं। बेस मॉडल में आपको यहीं पर बटन मिल जाती है जिसको प्रेस करके आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। ऊपर अच्छी तरह से कवर किया गया है, 318 लीटर का बूट स्पेस है। कोई भी पार्सल ट्रे नहीं मिलती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो शोरूम या आफ्टर मार्केट कहीं से भी लगवा सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रॉसरी हुक भी मिल जाते हैं सामान टांगने के लिए। नीचे स्टेपनी मिल जाती है, गाड़ी का स्पेयर व्हील नीचे रखा हुआ है, साइड में टूल किट वगैरह ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। और एक चीज़ और देखिए कि बेस मॉडल में आपको ये सीट को 60% और 40% में फोल्ड करने का रिव्यू दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। कोई भी दूसरी कंपनी में आपको इस टाइप से चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान रख सकते हैं, सीट को फोल्ड कर दीजिए, उसके बाद भरपूर सामान रख सकते हैं। अब चलिए एक बार पैसेंजर साइड का डोर ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो अंदर का पूरा डिज़ाइन भी देखेंगे ना तो बेस मॉडल टाइप से आपको फील नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर डुअल टोन कलर है, ब्लैक और थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का कलर है, बहुत प्रीमियम लग रहा है ये चीज़ें। और अंदर का भी पूरा इंटीरियर डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और बीच में भी देखेंगे तो एक मतलब तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, और सभी के लिए डेडिकेटेड सीट बेल्ट पॉइंट भी दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सीट को आप 60 और 40 के रेशियो में आसानी से फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर ज़रूरत है तो जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से आप सामान रख सकते हैं। अब एक बार मैं आपको फोल्ड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से सीट फोल्ड हो जाती है। और मारुति की ये बलिनो है, बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, अच्छा माइलेज आपको देती है।
और क्या चाहिए, और कम से कम प्राइस रेंज में आपको मिल जाती है, डिस्काउंट भी अच्छे चल रहे हैं इस समय, तो आप थोड़ी सी बार्गेनिंग भी कर सकते हैं गाड़ी खरीदते टाइम, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल दिए हैं। कैबिन लाइट आपको सिर्फ बीच में ही मिलती है, पीछे कोई एसी नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। छोटू सा हम्प दिया है, 3 लोग तो आराम से बैठ जाते हैं और 4 लोग भी मैनेज हो जाते हैं। गाड़ी की लंबाई चौड़ाई बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बस डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में मिलते हैं, इसमें आप एसेसरीज लगवा लीजिए, क्रोम के डोर हैंडल लगवा लीजिए। ड्राइवर साइड का डोर ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ब्लैक और पूरा ब्लूइश टाइप का कलर है, ओपनर मिल जाता है। ORBM को तो हाथ से फोल्ड और एडजस्ट करने पड़ेगा। बेस मॉडल में चारों पावर विंडो के बटन दिए हैं। यहाँ पे फैब्रिक यूज भी है, मतलब आप समझ लीजिए कि कौन सी दूसरी गाड़ी है जो आपको फैब्रिक का यूज दे रही है। यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं, स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। इसमें बस म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता, बाकी तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं। पूरा लुक देखेंगे इंटीरियर का, एक्सटीरियर का पूरा डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। सभी एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आगे और पीछे। और भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, जैसे ये सीट देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो आपको मिलते ही हैं, उसके बाद पूरी तरह से बकेट टाइप से सीट मिल जाती है। यहाँ पे कंफर्ट बहुत शानदार है, कितनी भी दूरी अगर आप ड्राइव करेंगे ना, थकावट तो भूल जाइए, पूरी तरह से आपको लग्जरी टाइप से सीट मिल रही है। यहाँ पे आप रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को आगे और पीछे कर सकते हैं। हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको इसके ऊपर वाले मॉडल से मिलता है। पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप देख लीजिए, 2024 का न्यू मॉडल है, तो सभी चीज़ें आपको न्यू वाली ही मिलेंगी। साइड में एसी वेंट है एडजस्ट करने के लिए है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्लॉसी सिल्वर कलर है। ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प के लेवल को सेट करने के लिए। नीचे ABC पैडल मिल जाता है, और साइड में देखेंगे तो थोड़ी सी जगह दी गई है डिट पैडल के लिए। यहाँ से आप फ्यूल टैंक और बोनट ओपन कर सकते हैं, और थोड़ी सी जगह भी है, आप ज़रूरत की चीज़ें भी रख सकते हैं। नीचे कोई भी आपको कंट्रोल नहीं दिए हैं। अब चलिए एक बार गाड़ी के अंदर बैठ के आपको सभी चीज़ें बता देता हूँ। पूरा स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन देखेंगे तो ये फ्लैट बॉटम वाला है, कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते, लेकिन डिज़ाइन देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि फ्लैट बॉटम वाला थोड़ा सा ट्रेंडिंग डिज़ाइन है, न्यू डिज़ाइन है ये। बीच में लोगो मिल जाता है, सराउंडिंग में पूरा क्रोम का यूज किया है। दोनों साइड कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते स्टीयरिंग व्हील पे बेस मॉडल में। नीचे एयरबैग और हॉर्न दिया है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। स्टीयरिंग व्हील का एडजस्टमेंट देखेंगे तो टिल्ट कर सकते हैं। साइड में वाइपर का कंट्रोल है, इधर साइड हेडलैम्प और इंडिकेटर का कंट्रोल मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो फॉग लाइट भी लगवा सकते हैं। सामने सेमी डिजिटल क्लस्टर है, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर है, बीच में डिजिटल MID है जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। पूरा सेंटर कंसोल देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। नीचे हजार्ड बटन, दोनों साइड AC वेंट है। यहाँ पे बेस मॉडल में आपको फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। 12 वोल्ट का सॉकेट है। यहाँ पे 2 कप होल्डर के लिए जगह है, आप मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। 5 स्पीड का ट्रांसमिशन है, 5 गियर वाली ये गाड़ी है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, हैंड ब्रेक दिया है। पीछे यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं मिलता। ऊपर बेस मॉडल में डे नाइट वाला IRVM है। यहाँ पे सनवाइजर में कुछ भी नहीं मिलता, और इधर देखेंगे तो प्लेन सनवाइजर है। इधर साइड भी फोल्डेबल ग्रैब हैंडल है। अब एक बार पूरा डैशबोर्ड का डिज़ाइन आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पे ब्लैक और ग्लॉसी सिल्वर कलर का यूज किया गया है। चीज़ें देखने में बहुत बढ़िया लग रही हैं, पूरी तरह से आपको प्रीमियम गाड़ी लगेगी। बस एक दो चीज़ें हैं जो आप करवा लेंगे ना, तो कहीं से आपको फील नहीं आएगा बेस मॉडल वाली। अब चलिए इस गाड़ी के इंजन और माइलेज की बात कर लेते हैं, और उसके बाद प्राइस की। इसमें 1.2 लीटर का BF6 फेज 2 वाला फुली रिफाइंड इंजन मिल जाता है। ये 5 स्पीड की मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसमें आपको पेट्रोल में 22 KMPL का और CNG में 32 KM/kg का माइलेज क्लेम किया जाता है। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो बेस मॉडल की कीमत है 6,66,000 रुपये, और ये ऑन रोड आपको लगभग 7.5 लाख रुपये के आसपास मिल जाएगी। और आप कम से कम 70,000 से 80,000 रुपये का डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को ख़रीद सकते हैं। तो आज के वीडियो और ये गाड़ी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।